हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ राखी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, और ये बहुत ही सिंपल सोबर सा राखी मेकअप लुक है जो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं राखी पर, क्योंकि राखी पर हैवी मेकअप लुक जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता है। सो मैंने बहुत ही सिंपल और ईजी वे में इस लुक को क्रिएट किया है। आई होप कि आप लोगों को ये लुक पसंद आएगा, और अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, और मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का मेकअप प्राइमर लिया है, और मैं इसे अपने फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस पर स्प्रेड करते हुए अप्लाई कर लूँगी। और मैंने जो CTMP है मेरा वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है CTMP, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको CTMP करने के बाद ही मेकअप करना चाहिए। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, तो मैंने यहाँ पर मैबलिन का फिट मी कंसीलर लिया है, और मैं इसे अपने डार्क सर्कल्स पर और जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन है वहाँ मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, देन मैं इसे एक स्पंज की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, एंड जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। सो आफ्टर कंसीलर मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन, और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन जिसका जो शेड है वो है नेचुरल शेल। तो मैं इसे स्पंज की हेल्प से ही अप्लाई कर लूँगी डॉट डॉट बनाकर, और अपने पूरे फेस और नेक पर मैं इसे अप्लाई करूँगी। एंड बहुत अच्छा फाउंडेशन है, कवरेज भी अच्छा देता है, और अंडर 100 रुपीज़ आपको ये कंसीलर इजीली मिल जाता है आपके लोकल मार्केट में, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, और कवरेज भी अच्छा है इसका, ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी है, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। तो मैं इसे अच्छी तरह से अपने पूरे फेस पर और नेक पर लगा कर और ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं अपने बेस मेकअप को सेट करूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का द मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे बेस मेकअप को सेट कर लूँगी। आफ्टर दैट आई एम डूइंग आई मेकअप, सो मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने मैबलिन का ही फिट मी कंसीलर अप्लाई किया है, और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट कर लिया है। उसके बाद मैं द मैबलिन का न्यूट्स पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इससे एक ब्राउन डार्क शेड लेकर मैं अपने क्रीज लाइन को डिफाइन करते हुए, ब्लेंड करते हुए अपने क्रीज लाइन को डिफाइन कर लूँगी। देन मैं यहाँ पर मिस क्लेयर आई शेडो एंड ब्लश पैलेट से एक गोल्डन ब्राउन शेड लेकर अपने पूरे क्रीज लाइन पर इसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पर सेम पैलेट से एक ब्लैक शेड लेकर अपने आउटर वी पर प्लेस करते हुए अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे मेरे आईज़ को एक सॉफ्ट स्मोकी लुक मिलेगा। देन मैं यहाँ पर मैबलिन न्यूट्स पैलेट से ही ब्राउन एंड ग्रे शेड लेकर अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। तो पहले मैं ग्रे शेड से अपने आईब्रोज़ को आउटलाइन कर लूँगी, उसके बाद मैं ब्राउन शेड से अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। देन मैं अप्लाई करूँगी आईलाइनर, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है L18 का ब्लैक आईलाइनर, और इसके थ्रू मैं अपने आईज़ में आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी, और मैं यहाँ पर विंग आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं अपने दोनों आईलैशेस को कर्ल कर लूँगी, और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्करा। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का द हाइपर कर्ल मस्करा, और इसे मैं अपने दोनों आईलैशेस पर अप्लाई कर लूँगी, और मैं कोई भी फॉल्स आईलैशेस यूज़ नहीं करने वाली हूँ। सो मैं इसके एक दो कोड अपने आईज़ पर लगा लूँगी और मस्करा अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर SQ का काजल अप्लाई कर रही हूँ। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट कॉन्ट्रोलिंग, तो यहाँ पर मैं ब्राउन पाउडर कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, और अपने चीक्स पर, जो लाइन पर, फोरहेड पर, नोज़ पर मैं कॉन्ट्रोलिंग कर लूँगी। देन मैं ब्लश अप्लाई करूँगी, और उसके लिए मैं मिस क्लेयर का ही पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इससे एक पिंक शेड लेकर मैं अपने चीक्स पर ब्लश अप्लाई कर लूँगी। नाउ इट्स टाइम टू हाईलाइट, सो मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी, और मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ सिवाना का हाईलाइटर।
तो मैं एक पिंक शेड लेकर अपनी चीक्स पर, क्यूपिड बो, चिन, ब्रिज ऑफ माई नोज़ एंड फोर हेड पर हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। और लिटिल बिट हाइलाइटर जो है मैं अप्लाई करूँगी अपने ब्रॉ बोन पर भी। सो एट लास्ट मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। तो मैं यहाँ पर अपने लिप्स को फिल करने के लिए यूज़ करी हूँ NYB का लिप क्रेयॉन, और जो आपको इसका शेड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ ही यहाँ पर मेरा जो मेकअप है वो फिनिश होता है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने खुद को एक्सेसराइज कर लिया है और इस तरह से इस लुक को मैंने क्रिएट किया है। और बहुत ही सिंपल इजी मेकअप लुक है। आप अगर इस राखी पर इस लुक को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इजीली इसे अचीव कर सकते हैं। और जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें ही यूज़ करें, आप अपने पास जो भी अवेलेबल प्रोडक्ट हैं आप उनको यूज़ करके भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आएगा। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पर एक बेल आइकॉन आएगा, उसे टच कर दीजिएगा, जिससे मेरे फ्यूचर वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सकेगी और आप मेरे सारे वीडियोज़ देख पाएंगे। तो अगर आप इस लुक को क्रिएट करते हैं तो मुझे मेरी सोशल मीडिया लिंक्स पर टैग करना मत भूलिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।